नाज़रीन, हमारा अगला सेगमेंट हमारे मेहमानाने ग्रामी का सेगमेंट। बिल्कुल जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर, मेरा कपिल शर्मा साहब से एक सवाल है। किसे? कपिल, ओ सॉरी, नसीम विक्की साहब। कपिल शर्मा कौन है? सर, साढ़े जो कपिल शर्मा तो कोई नहीं, कपिल बिशर्मा बैठा है। अच्छा जी, नसीम विक्की कहना चाह रहे हो? मेरा नसीम विक्की साहब से एक सवाल है कि आपने कपिल शर्मा के साथ इतना काम किया और वो आपके दोस्त भी हैं, आप उन्हें देशभक्त पे कब ला रहे हैं? जी, सवाल तो आपका अच्छा और ये आइडिया भी अच्छा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द उसको लेकर आएंगे जी, देशभक्त में। आपको किसी भी कराओ, डेट बताओ। डेट बताओ, कम पे रेट। मैंने डेट बतानी, उसने रेट बता देना। किसी भी सूरत में जब वो पाकिस्तान आएगा तो देशभक्त में ही आएगा, या फिर हम ऐसा वीडियो क्लिप बनाएंगे जिसके जरिए वो देशभक्त में आपके साथ मुखातब जरूर होगा। हमारी ऑडियंस में ना दो फ्रेंड्स ऐसी भी हैं जो पॉपुलर टिकटॉकर्स भी हैं, उनसे जरा बात करते हैं। जी, हम दोनों। लेकिन हम आपसे टिकटॉक नहीं बनवाएंगे। हाँ। आपको एक्ट करना पड़ेगा। यस। एक लड़की एक्ट करेगी, दूसरी गेस करेगी कि वो क्या एक्ट कर रही है। चलिए जी, आप दोनों को आपके क्यू कार्ड मिल गए। जी, मिल गए। आप अपना पहले क्यू कार्ड खोलिए। ओके। बताना नहीं, ठीक है? ठीक है। अब आपने ये एक्ट करना है। ओके। आपने बूझना है। चले पिट से आपा कौन सा पेशा होता है? आजकल सारे पेशे पिट से आपे बने हुए। अच्छा, ये क्या था? लगता कोई छोटा सा सनी देवल है, मैं निकला गड्डी लेके। क्या है जी? सही बात है, ये तो ऐसा लग रहा है कबूतरों को दाना डाल रही है। बरात पे ठीपे फेंक रही है। बताए जी, आपको आपको अंदाजा लगा दी कौन सा पेशा है? हमेशा वैसे कुछ भी नहीं आर्ट थी, जो वो कह रहे वो ही समझ आई है ज्यादातर तुम मेरे ख्याल से। जी, आप ठीक एक्ट नहीं कर सकी। मैम, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। जी जी, जरूर। आपके ड्रेसेस बहुत खूबसूरत होते हैं। थैंक यू। आप खुद डिजाइन करती हैं या किसी से डिजाइन करवाती हैं? नहीं, वो सामने मेडिकल स्टोर है, वहां से। वैसे तो चैनल के अपने डिजाइनर्स भी हैं, मेरे ड्रेसेस मोस्टली मेरी बहन, मैं खुद भी कर रही होती हूँ। तो जो डिजाइनर भी आप कपड़े मुझे देख रहे हैं पहने हुए, ये मेरी बहन ने डिजाइन किए हुए हैं, और हेना सलमान भी ड्रेस डिजाइन करती है मेरे। और बड़े महंगे होते हैं। ये बताना जरूरी है। जाना नहीं है। अब इनकी बहन के पास पहुंचना, जाना। खुद तो ये हंसती रहती, पैसे नहीं देती। सर, हमारे यहाँ मशरूम क्यों नहीं खाया जाता? ना हम खाते हैं, ना ये ऑडियंस खाती है इतनी। आपकी, आप लोगों की सेहत से भी लग रहा है कि आप लोग कोई सेहत बख्श चीज खाते ही नहीं हो। ये देखें, ये मुफ्त की खाती हैं। वो देखें क्या कौन रहा है, सेहत बख्श चीज से क्या कौन रहा है। ये मेरे साथ शेयर करती है ना, दोनों बबर शेयर। अगर जैसे हुकूमत को अपने फराइज का इदराक नहीं है ना, शऊर नहीं है, इसी तरह अवाम को भी नहीं पता कि क्या चीज खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए। हमारा सारा जोर जो है ना, वो रोटी पे है, चावल पे है। हालांकि हमारे इर्द गिर्द अल्लाह ताला की इतनी नेमतें फैली हुई हैं, मशरूम जैसी जबरदस्त न्यूट्रिएंट्स से भरी हुई चीज जो है हमारे इर्द गिर्द फैली हुई है, या वो इंतहाई गरीब लोग गुर्बत की वजह से खाते हैं, या अमीर लोग फैशन की वजह से खाते हैं पिज्जा टॉपिंग पे, बस इतनी इतनी। मैं तो कहता हूँ इसका नाम खजाना रख दे, कम से कम हुक्मरान तो खाए ना। आज हमारी ऑडियंस में बहुत ही खास मेहमान बैठे हैं, हमारी हमारी सुपरस्टार सनम मारवी जी जो है, उनके बेटे बहलोल अली, और ये बहुत जी ये कुछ बहुत खूबसूरत आज सुनाएंगे हमें। अच्छा, ये भी गुलुकार हैं, जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर। सर, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको हस्बियाल पे देखता था, और मैं विक्की सर का भी बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आपको कपिल शर्मा शो पे देखता था, और आज मैं आपको सिंधी कलाम सुनाने लगा हूँ जो उस्ताद जलाल चांडियो का है, बहुत पुराना सॉन्ग है, और वो अभी मैंने उनको ट्रिब्यूट पेश किया था, वो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। जरूर। क्या बात है। ऐ जो की रात रही पोता मुझी दिल थी घुरे, ओला दिल थी घुरे, जानी पो केर जिए केर मरे, ओ थी न परे। ऐ जो की रात रही पोता मुझी दिल थी घुरे, ओला दिल थी घुरे, जानी पो केर जिए केर मरे, ओ थी न परे। हलिया दिल जही दौड़े मैं तो सा प्यार कया, सजाया सेज अखिन जी आई बहु वार कया,
ओ तुंजा जुल्फ चुमा चैन मिले ही अनो ठरे ओ अल्लाह ही अनो ठरे जानी पो केर जिए केर मरे ओ थी न परे। अरे वाह क्या बात, क्या बात है। हम सब में से और किसी को समझ में आया हो या ना आया हो, रजी को जरूर समझ में आया हो। मैं अपने नाज़रीन को भी बता दूं कि ये जो हमारा दोस्त है रजी, इसको कोई भी रोल हम देते हैं ये फौरन सिंधी टोन पकड़ लेता है। अरे बाबा बहुत अच्छा गाया है तुमने तो, दिल जीत लिया है। इसको हम अगर नारोवाल का काश्तकार भी बनाए ना तो ये एक मिनट के बाद कहना शुरू, और सही क्या करते हो तुम ऐसे। तो चलो वो तो थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसको फैसलाबाद ही बनाया था, उसमें कह रहा था बिरे ये तो बहुत गलत बात है। नहीं बहुत खूबसूरत गाया, बहुत अच्छा, क्या बात है। बल्कि इधर आए यार, आपको आपका एक छोटा सा इनाम होना चाहिए। हाँ, होना बिल्कुल चाहिए। इस बच्चे के लिए इनाम होना चाहिए। बेटा एक मेरे पास 5,000 का फटा हुआ नोट है, 3 दिन से मेरी जेब में, हाफ हाफ, वो मैं तुम्हें नहीं दे रहा। मुझे पता है ये ताजा कड़क, ये देखो कड़कदार नोट कड़क। ये आप बेटा चेक कर लेना, एक फटा हुआ भी है। नहीं कर तो पापा ये नाचने वालों को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं चिल्लर नहीं है हमारे पास। सर जी। हाँ जी। जेड़े भाईजान ने सिर ते चिट्टा रुमाल बन्ने है, इन्होंने जुआ नूं दम दिता। हाँ जी दम दिता है, लै ओ बर्तन। सर जी उसने मसाला भी चेक नहीं किया और बांटने भी शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा सवाल मैम निमरा से है जी। पूछना यह है कि आप भी बहुत बड़ी गुलाकार आए, तो आपका फेवरेट सिंगर कौन है? बस सबसे पहले अगर मैं बोलूँ तो नुसरत फ़तेह अली खान साहब, उसमें सब आ जाता है, वो हर तरह का जॉनर गा लेते थे तो वो तो एंड है। मेरा तो फेवरेट है। थैंक यू। तेरे हाथों पे मेहंदी अपने नाम की सजाए, तेरे सदके उतारे तेरी ले ले बलाए, है तमन्ना हमें तुम्हें दुल्हन बनाए। दीवाना हुआ मस्ताना हुआ, तेरी चाहत में कितना फसाना हुआ, तेरे आने की खुशबू तेरे जाने का मंजर, तुझे देखे हुए तो जमाना हुआ। सदाए न दे वफाए न दे, मुझे प्यार हुआ था एक बार हुआ था, मुझे प्यार हुआ था। अच्छा आप में से कोई और भी है? मैं हूँ। ओ, आपको शौक है? जी हाँ जी। अच्छा मुझे शौक नहीं है, बकायदा मैं गाता हूँ, मैं रियाज भी करता हूँ डेली। ओ जबरदस्त, सुनाएं कुछ यार। नानी सुनो नानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था कब हुआ था कैसे हुआ था, प्यार हुआ कैसे हुआ था। बस 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 पहले क्या बात, अच्छा गाने पे मेरे लिए मिशन होनी चाहिए। यार उस बच्चे को मैंने 5,000 अच्छा गाने पे दिया था, आपको मैं गाना बंद करने का 5,000 दे दिया। सर चाहत कर कार टूट गया। कोई क्या बात है, कोई कंपटीशन नहीं था उस बंदे का, ये रिकॉर्ड तोड़ेगा। सिर्फ एक ही आवाज में नहीं गाया, 8-10 सिंगर्स उसने डाल दिए, मतलब बीच में राहत भी आ गया, बीच में किशोर कुमार भी आ गया, मेहंदी हसन भी आ गया, सब कुमार, और रैप भी कर गया बीच में, यो हनी सिंह भी हो गया। उस बच्चे का असल कमाल आपने ये नहीं देखा कि उसने सिर्फ संगीत की टांग नहीं तोड़ी, रियाज का भी बेड़ा गर्क कर दिया। रियाज भी करता था। जो आप रियाज करते हैं जिसके लिए करते हैं ना, वो डाडी होएगी। आपने इतना अच्छा गाया है, मुझे ही नाम दो।